नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये आठवां पाठ है। आज के इस पाठ में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है उपराष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले जो भी पाठ हैं उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था, और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं वो या तो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं या फिर उनके आगे जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें आने की संभावना है। तो इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़िए और आशा करते हैं कि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहला है वो यह है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, किनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? जब हमने राष्ट्रपति की चर्चा की थी इसके पहले के वीडियो में, वहाँ पर बताया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे वहाँ पर बताए गए थे। ऐसे ही यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हुई है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं? आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य। चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप इसके जवाब अपने आप भी दे करके हमारे आंसर देने से पहले आप उसको गेस कर सकते हैं और अपने आप को जज भी कर सकते हैं। आपको अगर आप खुद की कैपेबिलिटी को जज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, हमारे आंसर बताने से पहले ही आप उस आंसर को गेस कर सकते हैं। अगर वो आंसर सही होता है तो इट मीन्स आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है संसद के सभी सदस्य। जो संसद के सभी सदस्य हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक बात आई है यहाँ पर निर्वाचित सदस्य और दूसरी आई है सभी सदस्य। निर्वाचित और सभी सदस्यों से मतलब यहाँ पर ये है, निर्वाचित सदस्य वो सदस्य होते हैं जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जो सभी सदस्य आते हैं उनमें वो सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा या राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, और जो दूसरे सदस्य होते हैं कुछ सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कितने होते हैं ऐसे अगर कोई क्वेश्चन है तो उनका हमने अपने क्वेश्चन में शामिल किया हुआ है, तो अभी हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे, जैसे ही क्वेश्चन में वो आएगा वो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन निर्वाचित और सभी सदस्यों में अंतर यह है कि निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और अगर जहाँ पर सभी सदस्य होंगे वहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत, जिनको बोलते हैं निर्वाचित और मनोनीत, जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो भी सभी सदस्यों में शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन है कि क्या उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है? अगर हटाया जा सकता है तो उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति है उसको अगर कार्यकाल से पहले पद से हटाना है तो उसको कौन हटाएगा या किसके द्वारा हटाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसकी स्वीकृति लोकसभा देती है। जब राज्यसभा में साधारण बहुमत पारित किया जाता है वो पारित होता है और उसकी जो स्वीकृति देता है वो लोकसभा देता है। इस प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है या ऐसा अधिकार नहीं है कि वह उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा दे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना
किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? जो भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति है, जो भी भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति है, इस स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस या फिर मिस्र। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका होगा। ऑप्शन है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या फिर मिस्र। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति की तुलना भारत के राष्ट्रपति से की जा सकती है? इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनसे तुलना की जा सकती है, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? जो उपराष्ट्रपति है, सॉरी, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? सीधा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर राज्यसभा के उपसभापति को। इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को। जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। जो उपराष्ट्रपति है उसका जो मुख्य कार्य होता है वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में होता है, और वह अपना जो त्यागपत्र है वो उपसभापति को नहीं देता है, जबकि वो सीधे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन रहा? अगर हम सबसे अधिक अवधि तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की जो समय सीमा है, सबसे अधिक कौन आसीन रहा, हमारा क्वेश्चन है। आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति सबसे अधिक अवधि तक अपने पद पर रहे? इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहा? वो सबसे अधिक समय के लिए था और ये सबसे कम समय के लिए। सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कौन रहा है आपको ये बताना है। आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला। इन चारों लोगों में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहा? इसका जो सही आंसर है वो है वीवी गिरी। जो वीवी गिरी थे वो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? जैसा कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का जो चुनाव होता है, या प्रधानमंत्री और जो लोकसभा के सांसद हैं उनका जो चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा भारत के नागरिक करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होती है उसमें जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं। तो क्या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं? आपके जो ऑप्शन है वो हाँ या नहीं में, या फिर यदि वह पूर्व में निर्वाचित संसद रहा हो, या संसद का निर्वाचित सदस्य रहा हो, या फिर कुछ प्रतिबंधों के साथ उसको बनाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो यह है कि उसको मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में
कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? आपको ऐसे केंद्रीय मंत्री को बताना है जो सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाले थे। आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं जगजीवन राम, राजकुमारी अमृता कौर, स्वर्ण सिंह या फिर टीटी कृष्णमचारी। इनमें से सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजकुमारी अमृता कौर। ये प्रथम महिला मंत्री भी थी और सबसे अधिक समय तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री भी थी। जो राजकुमारी अमृता कौर थी, ये भारत सरकार का जो मंत्रिपरिषद था उसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने एक ही विभाग या उसी विभाग में सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपको उन पहले व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से सबसे पहले त्याग पत्र दिया था। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी। इनमें से किसने सबसे पहले त्याग पत्र दिया था, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था और वो त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं करना पड़ा? ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, पूरे कार्यकाल के दौरान संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, में किसी भी संसद का सामना नहीं किया, संसद के किसी भी सदन का सामना नहीं किया। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किन्होंने संसद का सामना नहीं किया, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो इसका जो आंसर है वो है चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह थे, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया, संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका सामना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है? जैसे कि अगर हम बात करें सभापति की, तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि वो राज्यसभा के सभापति जरूर होते हैं लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं क्या वो राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं? आपके ऑप्शन हैं हाँ होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि होते हैं या नहीं होते हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर है वो है जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो स्पष्ट रूप से या उनका जो है राज्यसभा के सदस्य होना जरूरी होता है। तो इसका जो आंसर है वो हाँ में है और इस आंसर से ये स्पष्ट होता है कि जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन सभापति के मामले में ऐसा नहीं है। जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? अगर हम बात करें राज्यसभा में प्रतिनिधियों की, तो जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यों से ही चुन करके आते हैं। तो राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इन चारों में से किस प्रदेश या किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या राज्यसभा में सर्वाधिक है? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या राज्यसभा में सबसे अधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है?
आपके ऑप्शन हैं 510 सदस्यों को, 520 सदस्यों को, 525 सदस्यों को या फिर 543 सदस्यों को। कितने सदस्यों को जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 543। जो जनता है वो सीधे 543 सदस्यों को निर्वाचित करती है। और अगर हम बात करें टोटल सदस्यों की, तो लोकसभा वर्तमान में जो टोटल सदस्य हैं उनकी संख्या है 545। 545 में से 543 सदस्यों को सीधे निर्वाचित किया जाता है। जैसा कि हमने अपने पहले क्वेश्चन में बताया था कि कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, तो जहां पर बात निर्वाचित की होगी वहां पर जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे, और जहां पर सभी सदस्यों की बात होगी तो उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों की वहां पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार दिए हुए हैं जिसके द्वारा वह लोकसभा में कुछ आंग्ल भारतीय, जिनको एंग्लो इंडियन भी बोलते हैं, आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। तो ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 1, 2, 3 या फिर 4। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकते हैं, और जो निर्वाचित होते हैं वो 543, 543 प्लस का 2 इज इक्वल टू 545। तो टोटल सदस्य 545, 543 निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या किस वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगी? जो लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या जो कि इस समय 545 है, वह किस वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगी? उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना ही उसको बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं। तो किस वर्ष तक वह अपरिवर्तित रहेगी? तो इसका जो सही है, इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 2020 तक, 2024 तक, 2026 तक या फिर 2030 तक। किस वर्ष तक सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा? इसका जो सही आंसर है वो है 2026 तक। 2026 तक लोकसभा के सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह अपरिवर्तित रहेगी। 545 सदस्य हैं और वो 545 ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति देश के किसी भी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन या चुनाव लड़ सकता है? अगर हम बात करें कि देश का कोई व्यक्ति, जैसे कि वो किसी भी प्रदेश का निवासी है और वो अगर कहीं दूसरे प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या वह लड़ सकता है? इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं हाँ वह लड़ सकता है, या फिर वो नहीं लड़ सकता है, या फिर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ करके वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, या फिर लड़ सकता है लेकिन वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम शामिल होना आवश्यक है। तो आपके क्या आंसर होंगे ये आप गेस कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो यह है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ करके वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से नहीं लड़ सकते, लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? जैसे कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो जो उनका प्रतिनिधित्व है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, वह किस बात पर निर्भर करता है? इसकी जो ऑप्शन है वो है राज्य की जनसंख्या पर, राज्य के क्षेत्रफल पर, या फिर जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस बात का इफेक्ट पड़ता है जिससे राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्याओं में अंतर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य की जनसंख्या पर। राज्य की जनसंख्या से राज्य के जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं राज्यों के, उन पे फर्क
फर्क कैसे पड़ता है, जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन था कि किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है, वहाँ आंसर था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो सबसे अधिक जनसंख्या भी है, इसी वजह से उनका राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। तो जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो किस पर निर्भर करता है, वह है उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं उनके लिए निर्वाचन कौन करता है, उनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? ऑप्शन है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, या फिर विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर भी जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें निर्वाचित और सभी सदस्यों का वर्णन है। इसका मतलब यह है कि विधानसभा में भी कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं या फिर विधानसभा के सभी सदस्य, आपको ये बताना है कि राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन होता है वो कौन करता है। इसका जो सही आंसर है वो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो ही राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? हालांकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके निर्वाचन में भाग कौन लेता है, हमने पता किया इसके पिछले क्वेश्चन में, तो उसका जो सही आंसर था वो था राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार का होता है? क्या वह प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, या फिर संचयी मत पद्धति द्वारा होता है, या फिर सापेक्ष मत पद्धति के द्वारा होता है, या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बताना है आपको कि किस पद्धति के आधार पर होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। जैसे कि जो जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है वही प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी होती है, और राज्यसभा के जो निर्वाचन है उसमें जो भाग लेने वाले हैं वो राज्य विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है जिसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको इसकी जानकारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर लर्न इजी नाम का हमारा फेसबुक ग्रुप है, जिससे आप जुड़ करके वहाँ से भी स्टडी मटेरियल हमारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।